सुमित्रा अपने पति संजीव के साथ जिद करके अपनी दादी के श्राद्ध में मायके आई थी। हालांकि संजीव ने उसे बार बार यही कहा था कि बिन बुलाए वहां जाना ठीक नहीं है, फिर भी वह नहीं मानी और अपना हक समझते हुए वहां पहुंच गई। सुमित्रा ने सोचा था कि दुख की इस घड़ी में वहां पहुंचने पर परिवार के सभी लोग गिले शिकवे भूलकर उसे अपना लेंगे और दादी की मौत का दुख जताएंगे, पर उसका ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। सभी ने सुमित्रा को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया, मानो वह कोई अजनबी हो। इसके बावजूद भी सुमित्रा को उम्मीद थी कि परिवार वाले भले ही उसे नज़रअंदाज करें, मां ऐसा नहीं कर सकती। तभी सुमित्रा ने संजीव की तरफ इस तरह देखा मानो वह मां के पास जाने की उससे इजाज़त ले रही हो। फिर वह अकेली ही मां की तरफ बढ़ गई। उस समय सुमित्रा की मां औरतों की भीड़ में आगे बैठी हुई थी। जब मां ने सुमित्रा को अपने करीब आते देखा तो वे उठकर तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। मां के पीछे पीछे सुमित्रा भी वहां पहुंच गई और प्यार से बोली, मां यह सब कैसे हुआ? क्या दादी बहुत दिनों से बीमार थी? तुमसे मतलब? आखिर तुम पूछने वाली होती कौन हो? चली जाओ यहाँ से, फिर कभी भूलकर भी इस घर की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। गुस्से से चीखते हुए उसकी माँ बोली, ऐसा न कहो माँ, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आखिर तुम्हारा ही तो सहारा है मुझे। माँ होकर भी तुम मेरे मन की भावना को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? रोते हुए सुमित्रा बोली, नहीं समझना है मुझे, कुछ नहीं समझना, चीखते हुए उसकी माँ ने कहा। क्यों नहीं समझना है माँ? तुम्हें समझना ही पड़ेगा, अपनी बेटी के दुख को महसूस करना ही पड़ेगा। आखिर मेरा इतना ही कसूर था ना कि मैंने संजीव से सच्चा प्यार किया और उससे शादी की, जो हमारी बिरादरी का नहीं है। लेकिन माँ तुम मुझे गौर से देखो कि मैं संजीव के साथ कितनी खुश हूँ, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, खुशी जताते हुए सुमित्रा ने कहा। मुझे कुछ नहीं देखना है और ना ही सुनना है, बस तुम अभी और इसी समय उस संजीव को लेकर यहाँ से चली जाओ, ताकि तुम्हारी दादी का श्राद्ध शांति से पूरा हो सके। माँ बोली, हम यहाँ से चले जाएंगे, माँ रहने के लिए नहीं आए हैं, केवल दादी के श्राद्ध में आए हैं, बस उसे पूरा हो जाने दो, क्योंकि दादी से मेरा और मुझसे उनका कितना गहरा लगाव था यह तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरे बिना तो वे भी नहीं खाती पीती थी, रोते हुए सुमित्रा ने कहा। इसलिए तो तुम उस कलमुहे संजीव के साथ भाग गई और कोर्ट में जाकर शादी कर ली, तब तुम्हें दादी का इतना ख्याल नहीं था, जबकि उन्होंने तुम्हारी याद में अपनी जान दे दी। मुझे दादी का बहुत ख्याल था माँ, परंतु मैं क्या करती, आप सभी तो मुझसे खफा थे, डर के चलते मैं नहीं आ सकी, रोते हुए सुमित्रा ने कहा। बड़ी आई डर वाली, जब इतना ही डर था तो घर से कदम बाहर निकालते समय हजार बार सोचती, फिर भी कुछ नहीं सोचा। अरे क्या अपनी बिरादरी में लड़कों की कमी हो गई थी जो उस नासपीटे संजीव के साथ भाग गई? तीखी आवाज में उसकी माँ ने कहा। माँ के सवालों का जवाब देने के बजाय सुमित्रा ने कहा, माँ मुझे जी भर कर कोस लो, लेकिन उन्हें कुछ न कहो, क्योंकि अब वे मेरे पति हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे दुनिया में केवल एक तुम ही पति वाली हो, बाकी सब दिखावे वाली है, खिल्ली उड़ाते हुए उसकी माँ बोली। माँ मेरी अच्छी माँ, तुम तो मुझे ऐसा न कहो, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में ब्याहे, सुख शांति से रहे, उन्हीं में से मैं एक हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन साथी का खुद ही चुनाव कर
तुम लोगों की परेशानी को दूर किया है। इसके बावजूद भी सभी की तरह तुम भी मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। दुखी होकर सुमित्रा ने कहा, हाँ तुम इसी काबिल हो, इसलिए नहीं मिलेगा अब तुम्हें वह लाड प्यार और अपनापन जो कभी यहाँ मिला करता था। सुमित्रा की माँ की बातें अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पिता, भाई, बहन व भाभी सभी वहाँ आ गए और गुस्से से सुमित्रा को घूरने लगे। तभी उसके पिता गोपाल दास ने गुस्से में कहा, कलिंकनी, मुझे तो तेरा नाम लेते हुए भी नफरत हो रही है, आखिर तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? ऐसा न कहिए पापा, आखिर इस घर से मेरा भी तो कोई रिश्ता है, उसी रिश्ते के वास्ते तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे और मेरे पति को अपना लीजिए पापा, रोते गिड़गिड़ाते हुए सुमित्रा ने कहा, खबरदार जो मुझे पापा कहा, तेरा पापा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम इस घर को छोड़कर गई थी। रहा सवाल अपनाने का, तो यह हक अब तुम खो चुकी हो। नहीं पापा, नहीं, ऐसा न कहो और ठंडे दिमाग से सोचो कि प्यार करना क्या कोई जुर्म है? आखिर मैं भी तो बालिग हूँ, जब मैं अपना भला बुरा सोच समझ सकती हूँ तो फिर मुझे फैसला लेने का हक क्यों नहीं है? और फिर चाहे बातें भविष्य की हो या जीवन साथी चुनने की, लड़कियों को यह हक जरूर मिलना चाहिए। थोड़ा खुश होकर सुमित्रा ने कहा, तू मुझे हक के बारे में समझा रही है? अगर तू इतनी ही समझदार होती तो अपनी ही जाति के लड़के से शादी करती ना, कि किसी दूसरे की जाति के लड़के से। सुमित्रा के पिता ने कहा, दूसरी जाति के लड़के क्या इंसान नहीं होते? क्या उनमें समझदारी नहीं होती? इसकी मिसाल तो संजीव ही है, जिन्होंने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे रखी हैं, कोई कमी महसूस नहीं होने दी है उन्होंने। मैं इस तरह के जात पात के भेदभाव को नहीं मानती जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता हो, आपस में दूरियां बढ़ाता हो। मैं केवल इंसानियत की जात को जानती हूँ व मानती हूँ, सुमित्रा बोलती चली गई। बस करो अपनी यह बकवास और उस संजीव के साथ यहाँ से चलती बनो, इस बार चीखते हुए सुमित्रा का भाई संदीप बोला, भैया मुझे जो चाहो कह लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि एक पत्नी अपने सामने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तब तो मुझे तुम्हारे पति की बेइज्जती करनी ही होगी, वह भी तुम्हारे सामने, नजरें तिरछी करते हुए संदीप बोला। क्या यह तुम कह रहे हो, जबकि तुम भी किसी के पति हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है, महाभारत मचा दूंगी मैं यहाँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को, कि वे तुमसे कमजोर है? वे जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है और साथ ही पुलिस में भी है, उनसे टकराना तुम्हें महंगा पड़ेगा भैया। हाँ, मैं यदि चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हारी बेइज्जती जरूर करवा सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी तरह कुछ करने से पहले कुछ सोच समझ न सकूँ। औरत हूँ, इसलिए औरत का दर्द समझती हूँ, लिहाजा ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगी जिससे कि भाभी के मन में दुख हो। सुमित्रा की बातें सुनकर उसकी भाभी रो पड़ी और उसने आगे बढ़कर सुमित्रा को गले लगा लिया। रोशनी, यह तुम क्या कर रही हो, दूर हटो, उससे सुमित्रा से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, चीखते हुए संदीप बोला। रिश्ता है क्यों नहीं, खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए अपनी बहन को अपना लीजिए। इसने ठीक ही कहा है कि जात पात कुछ नहीं होता, होती है तो केवल इंसानियत और इंसानियत का रिश्ता। सुमित्रा की तरफदारी लेते हुए उसकी भाभी रोशनी ने कहा, मानो वह भी इंसानियत के रिश्ते को ही अहमियत दे रही हो। लेकिन रोशनी की बातें सुनकर संदीप बौखला गया।
वह गुस्से से बोला, रोशनी लगता है इसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। कहीं अभी संदीप अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी वहाँ संजीव आ गया और सूझबूझ का परिचय देते हुए गंभीरता से बोला, सुमित्रा अब चलो यहाँ से, बहुत हो चुकी तुम्हारी बेइज्जती, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ सुन लिया है और जान लिया है कि ये लोग ऐसे पत्थर दिल इंसान हैं जो जात पात का ढोंग रच कर समाज को गंदा करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अब मुझे समझ में आया कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल की है। ले चलिए मुझे, अब एक पल भी मैं यहाँ रुकना नहीं चाहूँगी। उठते हुए सुमित्रा बोली और अपने पति संजीव का हाथ थामकर घर से बाहर जाने लगी। उसकी छोटी बहन सुनैना ने दौड़कर सुमित्रा का हाथ थाम लिया और सिसकते हुए बोली, दीदी मत जाओ। अरे पगली, मैं कहाँ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, जात पात और उन बुरे रिवाजों को छोड़कर जा रही हूँ जिसे माँ पापा व भैया ने अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा है। मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो क्या हुआ, तुम तो अपनी दीदी के घर आ सकती हो, सुमित्रा बोली। जरूर आऊँगी दीदी, सुनैना ने खुश होकर कहा। मैं इंतजार करूँगी प्यार से, उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए सुमित्रा ने कहा और अपने पति संजीव के साथ घर से बाहर निकल गई। धन्यवाद।